हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू प्रिय रंजन कंप्यूटर ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त प्रिय रंजन तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा REN कमांड के बारे में। इस कमांड का प्रयोग हम फाइल को रीनेम करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास में पहले से कोई फाइल बनी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, REN कमांड की मदद से हम उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को उस फाइल को दिखाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर हमने एक कंप्यूटर लैब के नाम से एक फाइल को बना रखा है। सबसे पहले मैं आपको उसे दिखाता हूँ। ये रहा कंप्यूटर लैब का, ये हमारा फाइल है। हम चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर लैब की जो फाइल है, ये टेक्स्ट की जो फाइल है, इसे मैं नाम बदल के कुछ और दे दूँ। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा MS-DOS इंटरफेस में और यहाँ पर हमें एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्राइव को चेंज करने का। तो चूंकि ये कंप्यूटर लैब की फाइल हमने डी ड्राइव में डाल रखी है, तो सबसे पहले हमें उसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी लोकेशन है इसका, तो हमें इसको लोकेशन चेंज करना है। डी लिख के एंटर करेंगे तो अब हम डी में आ गए। सबसे पहले उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल का नाम आपने ऑलरेडी बना रखा है। तो हमने जो बना रखा है वो ओल्ड कंप्यूटर लैब के नाम से बना रखा है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड देना है REN लिखा। REN लिखने के बाद में आपको एक स्पेस देना है। स्पेस में आप उस फाइल का नाम लिखेंगे जो ऑलरेडी पहले से है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ComputerLab कंप्यूटर लैब। चूँकि वो टेक्स्ट की फाइल है तो हम लिखेंगे TXT। ये हो गया हमारा पुराना फाइल का नाम। एक बार हम स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद में उस फाइल का हम नया नाम देंगे। नया नाम दे रहे हैं ranjan.txt computerlab.txt। ये हमारा पहला फाइल है ये, जिसको हमने ऑलरेडी बना रखा है। हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर लैब की जो फाइल है उसका नाम बदल जाए, तो हमने यहाँ पे ranjan.txt हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार एंटर की दबाएंगे। एंटर की दबा के हम एक बार जाकर एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हमें इसको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में अब आप उस कंप्यूटर लैब की फाइल जो आपने बना रखी है उसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमें कंप्यूटर लैब के नाम से कोई भी फाइल नहीं दिख रही है, चूँकि हमने यहाँ पर नाम दिया है रंजन। तो अब हम रंजन के नाम से इसको सर्च करके देखते हैं। आप ये देख सकते हैं रंजन नाम की फाइल यहाँ पे बन के आ गई है। तो अगर आप किसी भी बने हुए फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा REN, यानी कि इसको हम बोलते हैं रीनेम का कमांड। इसके द्वारा आप किसी भी बने हुए फाइल का नाम बदल के कोई और नाम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं।